हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल बी फिट टुगेदर। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, डिलीशियस रेसिपी लेके आई हूँ, रोस्टेड चिकन। जी हाँ, रोस्टेड चिकन जो हम ओनली 1/4 टीस्पून घी में ही बनाएंगे। हम लेंगे 130 ग्राम ऑफ चिकन जो हमें 143 कैलोरी देगा। अब मैरिनेशन के लिए हम 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट लेंगे, 1/2 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट लेंगे, 1/4 टेबलस्पून क्यूमिन सीड पाउडर लेंगे, 1/4 टेबलस्पून हम कोरिएंडर पाउडर लेंगे, 1/2 टीस्पून हम रेड चिली पाउडर लेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, 3 टेबलस्पून हम कर्ड लेंगे, 1/4 टीस्पून हम ब्लैक पेपर पाउडर लेंगे एंड देन हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हम अपना मैरिनेशन रेडी कर रहे हैं। ये सब डाल के हम चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सबका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, कर्ड, सॉल्ट भी अभी इसमें हम ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर, क्यूमिन पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, इसके अंदर अच्छी तरह से चला जाए उसका टेस्ट। इसीलिए हम इसे रेफ्रिजरेट करके रख देंगे, ओवरनाइट रख सकते हैं या फिर 3-4 आवर भी रख सकते हैं। अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट आप एज पर योर टेस्ट डाल सकते हैं। इसको फिर से एक बार मिक्स करेंगे हम, अच्छी तरह से आप इसे मिक्स करें। अब इसे ढक के आप रख दें, रेफ्रिजरेटर में रख दें ताकि मैरिनेट हो जाए। अब ये मैरिनेट हो चुका है, हम नेक्स्ट डे इसमें 1/2 टेबलस्पून क्यूमिन पाउडर डालेंगे, 1/2 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर डालेंगे और हम सॉल्ट डालेंगे थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ाने के लिए, रेड चिली पाउडर डालेंगे, टर्मरिक पाउडर डालेंगे और फिर अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। वैसे भी मैरिनेट होके इसके अंदर फ्लेवर जो है सबका आ चुका है। अब हम इसके अंदर एक एग वाइट डालेंगे। एग को हल्का सा एक जगह से होल कर दे और उससे आपका इजीली एग वाइट निकल आएगा। अब उस एग वाइट को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर दे। और अब पैन लेंगे हम, पैन में हम 1/4 टीस्पून घी लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने कितना घी लिया है, बस उतना ही लेना है और उसको अच्छी तरह से पूरी जगह पैन में कोट कर देंगे। आप इसकी जगह ग्रिल का भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रिल में भी वैसे ही हम 1/4 टीस्पून घी यूज़ करना है। देन हम उस पैन में जो हमारा चिकन था उसको डाल देंगे और इसको थोड़े देर तक इसी तरह से कुक करते रहेंगे। फ्राई करिए आप इसे अच्छी तरह से, फ्राई करते रहिए आप इसको, रोस्ट करते रहेंगे, इसे चलाते रहेंगे तो एग जो है वो भी सूखने लगेगा और इसके अंदर से जो पानी है वो निकलने लगेगा। अब हम इसे थोड़े देर के लिए एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए ढक के रखेंगे, बट बीच बीच में हम इसे हटा के इसको हिलाते रहेंगे। 5-6 मिनट में ये आपका चिकन कम्प्लीट रेडी हो जाएगा। देखिए इसका पानी सूख चुका है। बीच बीच में इसके ढक्कन को हटा के इसे रोस्ट करते रहेंगे ताकि ये चिपके नहीं। वैसे ये नॉन स्टिक पैन में नहीं चिपकेगा, फिर भी आप इसको चलाते रहे ताकि ये जले नहीं। अब हमारा चिकन जो है वो पक चुका है, रोस्टेड चिकन। ये देखिए कट गया है, जब हमने इसको स्पून से कट करने की कोशिश किया ये कट चुका है। इसका टेस्ट बहुत ही यमी आता है, हमने जबकि इसमें 1/4 टीस्पून घी ही यूज किया है। थोड़ी देर रखने के बाद हम इसे एक दो बार बीच में चलाते रहेंगे। ये पक चुका है ऑलमोस्ट, फिर भी देर और चलाएंगे। आप स्पून से अपने चिकन को कट करके देखें कि वो पक चुका है। ऑलमोस्ट ही आपका 5-6 मिनट्स ले लेगा पकने के लिए। देखिए इजीली कट रहा है,
ये पूरी तरह से पक गया है और हल्का सा इसका कलर भी ज़्यादा ब्राउनिश हो गया, ये अच्छा सा रोस्ट हो गया है, टेस्ट भी इसका अब यमी आएगा। चिकन अब रेडी है हमारा, डिलीशियस चिकन। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। आप इसको प्लेट में निकाल लीजिए, फिर कलरफुल सैलेड के साथ इसको इंजॉय करिए। ये बहुत ही लो कैलोरी हाई प्रोटीन डिश है, आप इसे इंजॉय करिए। और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है, इसे आपको पता नहीं लगेगा कि आपने इसमें ऑयल और घी कुछ यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। आप ट्राई करें एक बार, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है एंड देन डिलीशियस उतना ही है। ऐसा नहीं है कि आप वेट लॉस कर रहे हैं तभी आप इसे खाएंगे, आप ऐसे नॉर्मली भी जब इसे खाएंगे तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने इसे डाइट के लिए बनाया। कलरफुल सैलेड के साथ इसे सर्व करें, कितना अच्छा लग रहा है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरा वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।